हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन जीके सॉल्यूशन में। दोस्तों आज हम आपके लेके आए हैं प्राचीन भारत की संस्कृति से कुछ जीके के क्वेश्चंस। जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये ऑलवेज जो जनरल एग्ज़ाम है उसमें पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी लेट के हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन जो है वो है, भारत का प्रथम शक राजा कौन था? तो दोस्तों हमारे पास ऑप्शन है मोगा, रुद्रदामन, अजेस, घटोत्कच। जी हाँ दोस्तों, तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ए, मोगा। जी हाँ दोस्तों, मोगा भारत का पहला शक राजा था। उसने भारत के शक राज की नींव डाली और उत्तर पश्चिम भारत के बड़े हिस्से में अपना राज्य बनाया। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टेज गोज की नियुक्ति किसने की? हमारे ऑप्शन है यवन, शक, कुषाण, हुन। तो दोस्तों हमारा सही आंसर जो होगा वो होगा ए, यवन। यह दोस्तों स्टेट गोज यवनों के सेनाध्यक्ष को कहा जाता है था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 190 ईस्वी पूर्व में बैक्ट्रिया के किस यवन राजा ने भारत पर आक्रमण किया था? हमारे ऑप्शन है डेमिट्रियस, अलेक्जेंडर, सेल्यूकस, निकेटर, मिनांडर। दोस्तों हमारे सही जवाब जो है वो है ए, डेमिट्रियस। यहाँ दोस्तों 190 ईस्वी पूर्व में डेमिट्रियस नामक यवन राजा ने भारत पर आक्रमण किया और मौर्य साम्राज्य का बड़ा इलाका जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रसिद्ध इंडो ग्रीक राजा मिनांडर वन ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? तो हमारे पास जो ऑप्शन है दोस्तों वो है तक्षशिला, मथुरा, उज्जैन और पाटलिपुत्र। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ए, तक्षशिला। यहाँ दोस्तों मिनांडर प्रथम प्रसिद्ध यवन राजा था। उसने अपनी राजधानी जो थी तक्षशिला में बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस ग्रीक राजदूत ने विष्णु के समान में स्तंभ बनाया? हमारे ऑप्शन है मेगस्थनीज, हेलियोडोक्स, हीरोडोट्स या फहान। तो हमारा सही आंसर जो होगा दोस्तों वो होगा बी, हेलियोडोट्स। ग्रीक राजदूत हेलियोडोट्स ने विदिशा में शंकु राजा विष्णु के समान में स्तंभ बनाया। उस राजदूत को ग्रीक राजा भागभद्र ने भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन तब बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सर्वप्रथम सोने के सिक्के किस राज्य के राजाओं ने जारी किए? हमारे ऑप्शन है शक, यवन, गुप्त या मौर्य। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो होगा वो होगा बी, यवन। नेक्स्ट क्वेश्चन तब बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बृहत कथा की रचना किसने की? हमारे ऑप्शन है गुरुनाथ, सर्ववर्मन, पाणिनी, राधा गुप्त। तो दोस्तों बृहत कथा की रचना जो है गुरुनाथ ने की, जो राजा हाल के राजकवि थे। तो हमारा सही आंसर जो है वो होगा ए, गुरुनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस सातवाहन राजा ने शक राजाओं से मालवा को वापस जीता? हमारे ऑप्शन है गौतमी पुत्र, सातकर्णी प्रथम, हाल सिमुक। हमारा सही आंसर जो होगा दोस्तों वो होगा ए, गौतमी पुत्र सातकर्णी। नेक्स्ट क्वेश्चन तब बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शिला लेख सातवाहन काल से संबंधित है? और हमारे ऑप्शन है नासिक, जूनागढ़, वन और टू दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हमारा सही आंसर जो होगा वो होगा ए, नासिक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये आज का आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले मैं आप सभी से बोलना चाहूँगा कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और दोस्तों बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियो हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आज का आखिरी क्वेश्चन। सातवाहन वंश के किस राजा ने गथा सप्तसती की रचना की?
हमारे ऑप्शन है ए राजा हाल, बी सिमुक, यक्ष श्री सातकर्णी, गौतम पुत्र सातकर्णी। ठीक है, और हमारा जो सही आंसर है दोस्तों वो होगा ए राजा हल। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने देखा प्राचीन भारत के इतिहास से कुछ जीके क्वेश्चन जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट थे। ठीक है, ये पार्ट 7 था दोस्तों। पार्ट 8 में हम और भी क्वेश्चंस लेके हाजिर होंगे आपके लिए। तब तक के लिए गुड बाय।